गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आपको एक सेट दे दिया गया है। क्वेश्चन में सेट ए है उसका नाम, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 4 को एक साथ लिखा गया है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा गया है, और एक एलिमेंट हो गया 5। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा सही है और क्यों सही है, वजह भी पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 3, 4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा गया है, और ये जो साइन होता है इसको कहते हैं हम सबसेट ऑफ ए। ए क्या यहाँ पर इस सेट की बात कर रहा है, यानी ए यहाँ पर ये सेट है और बोल रहा है इस सेट का जो सबसेट है वो ये सेट है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। आया समझ में आपको? तो बच्चों उससे पहले हम ये देख लेते हैं सबसेट होता क्या है। सबसेट होता है जैसे मान लीजिए कोई सेट है, हम कोई सेट ले लेते हैं सी और उसमें लिख देता हूं मैं एलिमेंट ए बी सी डी, इसको कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, ये सी कैपिटल मान के चलिए आप। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ और बना देता हूँ, क्यू बना देता हूँ। और एक अनदर सेट हमने लिया जेड करके, और इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स से हमने वो सेट बनाया, जैसे कि मैंने दो एलिमेंट ले लिए यहाँ से बी और क्यू। अब ये दो सेट गिवन थे हमें, क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या ये इसका सबसेट है। आप देखिए जो जेड है, सेट का नाम है जेड, जेड सेट जो है वो सी सेट के एलिमेंट से ही बना है, मतलब जेड के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है। तो ये एक तरह से बड़ा सेट हो गया, और इस बड़े सेट से कुछ एलिमेंट लेकर हमने एक छोटा सेट बना दिया, तो ये सेट बच्चों इसके लिए सबसेट कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इसको रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरह से करेंगे, जेड इज ए सबसेट ऑफ सी, जेड जो है वो सी का सबसेट है। ये जो साइन है वैसे ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है, पर हम यहां पे इसे सबसेट बोल रहे हैं। ओके? तो यहां पर यही कंडीशन है, बोल रहा है 3, 4 क्या सबसेट होगा ए का। अब जो यहां पर एक ट्रिक है, आपको ट्रिक करने की कोशिश की गई, देखिए आपको लग रहा होगा कि सबसेट बोल रहा है तो सेट बनाने के लिए ब्रेसेस का होना बहुत जरूरी है, कर्ली ब्रेसेस का होना जरूरी है, तभी वो सेट कहलाएगा। तो यहां पर आपको कर्ली ब्रेसेस दिख भी रहे होंगे, लेकिन जरा ध्यान से देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो 1, 2 और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा, और एक और एलिमेंट आ गया हमारे पास कौन सा, 5। 3 और 4 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक गिफ्ट देंगे किसी को कोई गिफ्ट देते हैं आप। मान लीजिए आपने एक कप का सेट दिया तो उसके अंदर 6 कप होते हैं, या ज्यादा कप हो मे बी, तो 6 या 6 से ज्यादा कप है, लेकिन जब आप उसको गिफ्ट को जब आप देंगे तो उसको तो आप एक ही गिफ्ट कहेंगे, भले उसके अंदर 6 यूनिट है, लेकिन ये गिफ्ट अपने आप में क्या कहलाएगा, एक सिंगल यूनिट कहलाएगा। उसी तरह से इसके अंदर आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो ब्रेसेस लगाए हैं इन्होंने यहां पर, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाएगा। ओके? तो हमसे ये पूछा गया कि ये वाला जो सेट है क्या ये सबसेट है ए का। तो ए का सबसेट होने के लिए आपको पता है कि 3, 4 एलिमेंट इसमें मौजूद है, लेकिन इसके बाहर एक ब्रेसेस नहीं है, कौन सा वाला, जो इसको सबसेट बना देता। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये तो एलिमेंट के बाय डिफॉल्ट ब्रेसेस हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे, मतलब अभी भी ये एक एलिमेंट की तरह है, आप इसके बाहर से ब्रेसेस तो लगा नहीं था। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट बनाता हूं 1, 2, 3 ए नाम दे देता हूं इसको, और एक दूसरा सेट बनाता हूं बी, इसको दे देता हूं नाम 2, 3। तो आप देखेंगे बी जो है वो सबसेट है ए का, लेकिन बी के बाहर हमने दो ब्रेसेस लगाए हैं, क्योंकि इसको सबसेट कह रहे हैं तो सेट बनने की प्रॉपर्टी तभी होती है पूरी जब उसके बाहर ब्रेसेस लगे हों, ये सेट बनने की प्रॉपर्टी है। तो ये जो ब्रेसेस थे जो हमें क्वेश्चन में यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में फिर से लिख देता हूं, ये 3, 4 जो गिवन था कि 3, 4 सबसेट है ए का,
ये 3,4 के बाहर जो ब्रेसेस हैं वो ये वाले ब्रेसेस नहीं है, वो सेट होने वाले ब्रेसेस नहीं है जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो क्वेश्चन में गिवन ब्रेसेस हैं। तो इसका मतलब ये अधूरे हैं, इसके बाहर से ऐसा ब्रेसेस होना चाहिए था तब ये सही होता। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट, कि जो 3,4 है वो सेट ए के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो सेट वो सबसेट बन जाए उसके लिए क्वेश्चन में बाहर से ब्रेसेस नहीं लगाए गए हैं, इसलिए कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है 3,4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं कि वो उससे बिलोंग करता है, मतलब जैसे आपकी फैमिली के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनको अगर मैं पर्टिकुलर क्योट करूं, उनसे जैसे मान लीजिए ए बी सी डी चार बंदे हैं इस फैमिली में, तो मैं बोलूंगा ए जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, बी इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको स्मॉल ले लेते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू, इस सेट को एक नाम दे देते हैं ए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से। तो जब हम बिलोंग्स टू बोलते हैं तो उसके बाहर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो आपको ब्रेसेस दिख रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे ये जो ब्रेसेस हैं ये सेट के अंदर पहले से दिए गए थे, ये हमने लगाए नहीं है, ये पहले से मौजूद है सेट के अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही है, ठीक है। तो जैसे हमने यहां बोला था ए बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर हमने ब्रेसेस नहीं लगाए थे वरना गलत हो जाएगा। तो ये केवल एक एलिमेंट उठाया जाता है जब आपको बिलोंग्स टू शो करना हो, तो यहां पर बिलोंग्स टू शो करने के लिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ये पहले से क्वेश्चन में मौजूद थे। ओके, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, यानी इसको रिप्रेजेंट बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बताइए क्या ये ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 3,4 ये एक एलिमेंट हो गया, यहां तक ये पूरा एक एलिमेंट है, और सबसेट था तो सबसेट शो करने के लिए उसके बाहर से कर्ली ब्रेसेस लगाए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ये। ओके, तो ऑप्शन 3 हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। अब आप देखिए क्या 1 जो है वो ए से बिलोंग करता है, सेट ए, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, क्या 1 सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, और इसके बाहर कोई ब्रेसेस नहीं है, यानी इसका मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप देखिए बच्चों क्या 1 ए का सबसेट है, साइन तो यही बोल रहा है कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन सबसेट होने के लिए अगर वो सेट वर्ड उसमें आ चुका है तो यहां पर ब्रेसेस का होना जरूरी था, जो कि यहां पे मौजूद नहीं है। तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए ये इनकरेक्ट तरीके से लिखा गया है, यानी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। तो फिफ्थ ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट हो गया हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, अब कर लेते हैं इसको, 1,2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप देखिए जो 1, 2 और 5 ये 3 डिफरेंट एलिमेंट थे, और वो बोल रहा है सबसेट है ए के, सबसेट होने के लिए बाहर से ब्रेसेस लगाए गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में कहता है 1,2,5 belongs to A। देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, पहले भी हम एक इसमें एक क्वेश्चन कर चुके थे, इसमें
अब देखिए बोल रहा 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, 1,2,5 अगर बिलोंग्स टू का साइन लगाया तो ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बिल्कुल गलत है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके अब करेंगे इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट कहता है 1,2,3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखेंगे 1 यहां पर मौजूद है, 2 भी मौजूद है सेट ए में, लेकिन जो 3 है बच्चों वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं है। इसको यहां पर इस तरह से लिखा गया है जैसे ये सिंगल एलिमेंट हो, ये रिप्रेजेंटेशन इसका सिंगल एलिमेंट के लिए जा रहा है, जबकि 3,4 एक पेयर में है, इसको हम अलग अलग तोड़कर नहीं लिख सकते, इसको एक साथ ही लिखना होगा। इसलिए 1,2,3 इसमें यहां से हटाकर लिख दिया गया है, अलग से लिख दिया गया है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो ये कैसा ऑप्शन हो गया, गलत ऑप्शन हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। ओके नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ ऑप्शन। नाइन्थ ऑप्शन कहता है 5 belongs to A, 5 belongs to A, क्या 5 A से बिलोंग करता है? देखिए बच्चों एक इसका पहले टेंथ ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ साथ। देखिए यहां पर कह रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ A। आप देखिए 5 बिलोंग्स टू A और 5 इज अ सबसेट ऑफ A, ये दो डिफरेंट बातें कही गई हैं, काफी कुछ सिमिलर लग रहा है दिखने में, लेकिन आप देखिए 5 बिलोंग्स टू A, 5 का मतलब होता है नल सेट, ये असल में कोई एलिमेंट नहीं है 5, 5 असल में सेट का एक नेम है, सेट का नेम मतलब उस सेट को कहते हैं 5 जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है 5, 5 यहां पर एलिमेंट नहीं है। तो आप देखिए जब 5 एलिमेंट नहीं है तो यहां ढूंढिए क्या 5 इस सेट के अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू A एक इनकरेक्ट वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, कहने का तरीका। भाई अगर ये ऐसे होता 1,2,3,4 एक साथ 5 और यहाँ पे 5 होता तब हम बोलते कि 5 भी इसका बिलोंग करता है, इससे एक एलिमेंट है उसमें मौजूद, तो इसमें तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है 5, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नाइन्थ। लेकिन जब यहाँ पे बोला गया 5 इज अ सबसेट ऑफ A, ये बात सही है बच्चों। देखिए कैसे, ये एक प्रॉपर्टी है या आप इसको एक कंडीशन कह लीजिए कि 5 जो होता है वो हर सेट का, कोई भी आप सेट बनाएंगे उन सभी सेट का 5 एक सबसेट कहलाएगा, और 5 का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं हो, तो हम बाय डिफॉल्ट हर सेट में ये मान के चलते हैं कि एक एम्प्टी स्पेस जो होता है वो हमेशा किसके लिए बुक होता है, 5 के लिए, तो 5 सभी सेट का क्या है, सबसेट है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे आप कि 5 जो है वो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, नेम है ये सेट का, तो ये सभी सेट में मौजूद होता है, इसलिए 5 सभी सेट का सबसेट है, लेकिन 5 कोई एलिमेंट नहीं है सेट में। हाँ कोई एलिमेंट आ जाए सेपरेट वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कहीं आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है तो 5 तब तक आप उस सेट के लिए नहीं बताएंगे, ये साइन बिलोंग्स टू साइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जब तक आपको एलिमेंट दिख नहीं जाता यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट देखा था 5 था, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 बिलोंग करता है सेट को, लेकिन इस वाले सेट में देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है हमें उसमें कहीं पर भी 5 मौजूद नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, बट 5 इज अ सबसेट ऑफ A, 5 जो होगा वो सबसेट होगा A का, कोई भी सेट आपको गिवन हो उन सभी के लिए 5 क्या होगा, उनका सबसेट होगा। अब करते हैं इसका लास्ट ऑप्शन, बोल रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ A। अब देखिए इस वाले ऑप्शन में 11th में 5 के बाहर ना बच्चे ब्रेसेस दे दिए गए और बोल रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी वो ऑफ सेट ऑफ A। आप देखिए अभी अभी हमने बात करी थी कि 5 अगर एलिमेंट नहीं है तो इसके बाहर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ये असल में एक सेट का नेम है, तो सेट के नेम के बाहर ब्रेसेस अगर तब लगता ब्रेसेस में अगर ये एलिमेंट होता, तो यहां पर इन्होंने 5 के बाहर एक ब्रेसेस लगा दिए और आपको दे दिया कि 5 इज अ सबसेट ऑफ A, ये तो मान दें कि 5 A का सबसेट होगा लेकिन ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके
ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो यही ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।